तो सुनी होगी कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, लेकिन खजूर से गिरे तो आप अटकते हैं श्री विनोद माथुर BA LLB और श्रीमती रमा माथुर MSc LLM के पास। कुछ मियां बीबी इसी तरह गिरते पड़ते पहुंचते हैं इनके यहाँ, जिनके लिए ये मिलाप तलाक का दफ्तर चलाते हैं। इनकी कोशिश होती है मिलाप कराने की, लेकिन बात अगर बहुत आगे बढ़ जाए तो फिर तलाक, चाहे जो हो। ये दोनों चाहते हैं कि पति पत्नी में हमेशा शांति बनी रहे। मैंने कहा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, आज फिर से मेरी कमीज का बटन टूटा हुआ है। अरे जाओ जाओ, गोली मार के तो देखो, दफा 302 के अंदर गिरफ्तार करवा दूंगी। तुमने अभी मुझे जाना क्या है? तुम मुझे धमकी दे रही हो? अरे धमकी क्या? नहीं नहीं, आप गलत मतलब मत निकालिएगा, दोनों में बहुत प्यार है। ये तो सिर्फ लड़ने की प्रैक्टिस करते रहते हैं, वकील है ना, दे ऑलवेज फाइट अ केस। बहरहाल आगे की कहानी इनकी जुबानी। पापा मम्मी का झगड़ा हुआ है। चुप। आप लोगों का झगड़ा है तो मुझे क्यों डांट रहे हो? चरण, क्या है? चरण, वरुण को स्कूल ले जाओ, अभी तो 5 मिनट बाकी है। जाओ। अच्छा, मुझे फुटा रहे हैं ताकि मैदान साफ हो जाए। वरुण, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। आप ही ने तो कहा था बड़ों से बड़ी बातें करनी चाहिए। बड़ी अच्छी तरह बातें करो। चलो। अब क्या इसी मूड में दफ्तर चलना है क्या? नहीं, आता हूं। चलो बोलो। आई लव यू। ठीक तरह बोलो। आई लव यू। फिर से। आई लव यू। आई लव यू टू। नहीं, ठीक तरह बोलो। आई लव यू। तो फिर मेरा भी रियली था। अब चलो, दफ्तर देर हो रही है। कितनी देर लगाते हो तुम तैयार होने में? बिल्कुल औरतों की तरह। एंड देयरफॉर आई हैव टू सबमिट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीगल रैंगलिंग, एक्सक्यूज मी सर, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीगल रैंगलिंग इज फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय योर इग्नोरेंस ऑफ द रिलेटिविटी ऑफ द मेंटल एंग्विश। मेंटल व्हाट सर? एंग्विश ऑफ द सेट सब्जेक्ट एंड कैन ओनली एग्रेवेट द ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। Oh, hi. Good morning, sir. Good morning, Julie. How are you? I'm fine, thank you. Sir, ये मिठाई के दो डिब्बे आए हैं। अच्छा? क्या प्रीता कोई शादी का बकरा बन रहा है? No, sir. ये पहला डिब्बा भेजा है मिस्टर शैंडलिया ने। उन्होंने लिखा है, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे घर को बचा लिया, मुझे और मेरी बीवी को मिलवा दिया। भाई, वेरी गुड। और दूसरा डिब्बा भेजा है मिसेस गुप्ता ने। उन्होंने लिखा है, आपने मुझे बचा लिया, मुझे अपने पति से तलाक दिलवा दिया। भाई, ये भी वेरी गुड। सर, दोनों वेरी गुड कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल खुश है। ये लीजिए। थैंक यू। लो सुनो, तुम भी लो। हां, बहुत अच्छी है। आप खाएंगी मैम? नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, एक जवान लड़की के हाथों मिठाई खाना। क्या कह रही हो डियर, मैं तो मिठाई टेस्ट कर रहा था। और अगर यही मिठाई मैं टेस्ट करने लग जाऊं, किसी जवान लड़के के हाथ मिठाई खाऊं तो? ये क्या कह रही हो, तुम मिठाई कैसे खा सकती हो? क्यों, तुम तो डाइटिंग पर हो। इस भरोसे मत रहना। छोड़ो भी इस बात को। सर, मैम, कोई आया है। अच्छा, कैसा लग रहा है? जी सर। नहीं मतलब, शक्ल से पिटा पिटा सा लग रहा है, लग रहा है कि घर पे बीवी से झगड़ रहा है। विनोद प्लीज। जूली, उसे अंदर भेजो। यस मैम। दिस वे। हेलो। हेलो, मेरा नाम दिलीप बोस है। हेलो, आई एम विनोद माथुर, दिस इज माय वाइफ मिसेस रमा माथुर। नमस्ते। नमस्ते। प्लीज हैव अ सीट। शुक्रिया। कहिए मिस्टर बोस, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि मेरा एक दोस्त है, वो अपनी बीबी को तलाक देना चाहता है। अच्छा 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 अच्छा, आपका दोस्त, इनका दोस्त
क्या नाम है आपके दोस्त का? नाम आपके दोस्त का कुछ तो नाम होना चाहिए। दरअसल मैं अपनी बीबी को तलाक देना चाहता हूँ। हाँ हाँ मिल जाएगा, लेकिन क्या वो भी यही चाहती है? क्योंकि अगर ऐसा है तो म्यूचुअल कंसेंट से चुटकी बजाते तलाक मिल जाएगा। जी वो ये नहीं जानती कि मैं यहाँ आया हूँ। तो फिर आप तलाक चाहते क्यों हैं? देखिए ये मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मैं इन्हें डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ लेकिन हमें तलाक के लिए कुछ तो वजह देनी पड़ेगी, क्यों मिस्टर माथुर? हाँ लेकिन चलो लिख देंगे कि अब मिसेस बोस की जिंदगी में कोई दूसरा आदमी आ गया है। हाँ नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? अब मैं आपको क्या बताऊं, ये समझिए कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल सुधारना चाहता हूँ। वेरी गुड। नहीं मेरा मतलब है कि ये भूल के हुए कितना अर्सा हुआ आपको? यही कुछ 5, 5.5, 6, 7 साल। और ये भूल हुई कैसे थी? हमारी लव मैरिज जो हुई थी। अच्छा अच्छा तो आपने प्यार किया था तब? जी लेकिन काश मैं जानता कि वो ऐसी है कि मेरी जिंदगी हराम कर देगी। जिंदगी हराम कर देगी। जूली हाथ से लिखो, मन में बोलो। सॉरी सर। अब मैम। हाँ तो मिस्टर बोस आप जरा खुलकर बताएंगे कि समस्या क्या है? मिसेस माथुर वो हर बात पे मेरा विरोध करती है। मसलन? यानी अगर मैं कहूँ कि रात के खाने में मुझे चावल चाहिए तो वो चपाती बनाएगी कल रात की तरह। करेले, टिंडे, तुरई, बैंगन ये सब्जियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन देखिए इनमें से एक सब्जी तो जरूर बनती है। ये गंभीर समस्या हो सकती है, आप मेरा विश्वास कीजिए। हाँ हो तो सकती है, लेकिन आप तलाक क्यों ले रहे हैं? जी चलिए मैं एक और बात बताता हूं आपको। एक जमाना था जब वो आती थी सुबह, प्यार से जगाती थी, चाय पिलाती थी, और अब उठे कौन है? चले चले उठे, ये लीजिए चाय। आपको इस तरह सुबह सुबह बीवी जगाकर चाय पिलाए तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं हाँ पता नहीं। खैर मैं शाम को दफ्तर से थका हारा लौटता हूं और मैडम दरवाजा खोलेंगी। और अगर मेरे दोस्त घर पर आए तो बस पूछिए मत, आफत आ गई। हम बैठे हंस बोल रहे हैं और वो मुंह सुजाए बैठी हुई है, और अगर हंसेगी भी तो ऐसे जैसे मुझ पर एहसान कर रही है। बनावटी, बिल्कुल बनावटी उसकी हर बात। अब शादी किस पर बनी रहती है? प्यार पर ना। अब आप दोनों के बीच में प्यार ना हो तो हमारी छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। जी हाँ हमारा किस्सा कुछ और ही है। जी जी अब देखिए अगर मैं कुछ उसे प्यार से बताना चाहता हूँ या प्यार जताना चाहता हूँ तो डार्लिंग मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था कि मैं सॉरी वो जमाई की बात सुनकर जरा जमाई उस घर में मैं नौकर बनकर रह गया हूँ, बाहर जाकर पैसा कमाता हूँ मैं, और खाने की मेज पर बैठता हूँ तो और घर की तो पूछिए मत कैसा पड़ा रहता है, यहाँ की चीज वहां, वहां की चीज यहाँ। और अगर मैंने पूछ लिया कि घर की सफाई क्यों नहीं की है तो जवाब मिलेगा तुम्हें क्या मालूम दिन भर और कितने काम रहते हैं घर में, अब सफाई तो की थी मैंने जैसे बन पाई, इससे बेहतर चाहिए तो कोई नौकरानी रख दीजिए। अब बताइए वो महारानी मैं नौकर, उसे एक और नौकर चाहिए साहब, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इन दिनों घर जाने का मन नहीं करता है, लगता है कि मैं बेघर हूं, मेरा कोई घर नहीं है। 3 दिन से मैं बीमार हूं, मेरा ख्याल रखना तो एक तरफ, उल्टा कहती कि मैं नाटक कर रहा हूं। प्लीज सर मुझे मुक्ति चाहिए, मैं अकेले रह लूंगा, आप फौरन मुझे तलाक दिलवा दीजिए। ठीक है मिस्टर बोस आप जूली के साथ जाइए, वो आपसे जरूरी कागजात पर दस्तखत ले लेगी। और हाँ आप अपने घर और दफ्तर का पता छोड़ जाइएगा, वक्त आने पर हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
उफ़, औरतें कितना दुखी है ये बेचारा। बड़ी सहानुभूति हो रही है। हाँ, आज भी बेचारे को करेले और टिंडे खाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से हमें ये फैसला करने से पहले जरा चलकर ये देखना चाहिए कि मिसेस बोस ने आज पकाया क्या है। तो चलो चलकर मिसेस बोस को ये तलाक वाली खबर भी सुना दें। क्या ये मुझे तलाक दे रहे हैं? मिस्टर बोस हमारे यहाँ आए थे, हमने उनकी बातें सुनी, अब हम यहाँ आपसे बात करने आए हैं। तलाक देते हैं तो देने दो, हमेशा धमकी, मैं भी तंग आ चुकी हूँ। वो भी जी जी, इनका मतलब है कि उन्हें भी कुछ शिकायतें हैं। उन्हें शिकायतें हैं मुझसे? शिकायतें तो मुझे हैं। अच्छा, हर वक्त इस बात पे रोना, उस बात पे चिढ़ना। यानी आप टिंडे तुरई बैंगन नहीं बनाती हैं? क्या नहीं, मेरा मतलब है कि आज आपने क्या बनाया? मलाई कोफ्ता। क्यों मलाई कोफ्ता? लेकिन मैं जो सब्जी बनाती हूँ उसका मेरी शादी से क्या वास्ता? यू सी मिसेस बोस, दिल को पहुंचने वाला रास्ता पेट से होकर जाता है। ओफो डियर, मेरे ख्याल से हमें इन्हें भी बोलने का मौका देना चाहिए। ये भी ठीक है। आपको किन बातों से शिकायत है मिसेस बोस? एक हो तो बताऊं? एक तो बताइए। सुबह सुबह ये मेरा मूड ऑफ कर देते हैं। मैं इतनी जल्दी उठती हूँ कि उनके लिए चाय बनाऊं, चाय बनाकर मैं उनके पास जाती हूँ। सुनिए जी, उठिए ना, देखिए सुबह हो गई, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। सुबह सुबह गुस्से में होते हैं वो, अब बताइए मेरी क्या गलती? लेकिन सर, मिस्टर बोस तो बता रहे थे कि शाम को दफ्तर से लौटते हैं और जब मैं दरवाजा खोलती हूँ। क्या शक्ल बना के रखती हो, कुछ ढंका नहीं पहन सकती? हर बात पे मुझे टोकना। अब बताइए, मैं पूरे दिन घर में काम करती रहती हूँ, मगर ये चाहते हैं कि 2400 घंटे मैं सजी सवरी बैठी रहूं। अगर ऐसा ही था तो कोई लकड़ी की गुड़िया से शादी की होती, मुझसे क्यों की? ना मैं भाती हूँ ना मेरे माँ बाप। वो अगर किसी दिन हमारे घर आ गए तो मेरी तो शामत ही आ गई। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको बताऊँ कि हमारे बीच सब ठीक है, इसलिए बहुत हंसती बोलती हूँ उनके साथ। और ये है कि सर, लगता है वही फिल्म दोबारा देख रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ राम और श्याम बदल गए हैं। और सुनना चाहेंगे आप? पहले ये मेरे साथ खुलकर हंसते थे और अब बनावटी हंसी पूरे वक्त, और मुझसे कहेंगे बनावटी। ये आपने सही कहा। और प्यार का तो अब हमारी शादी में नाम ही नहीं। सुने जी, मैं सोच रही थी कि इतना ही चाहते हैं मुझे, और खराटे भरेंगे खुद और दोष आप पर डालेंगे। और नौकर तो वो नहीं, नौकर तो आप हैं, वो तो राजा बनकर जीते हैं। जी हाँ, आपको कैसे मालूम? अब सारी सच्चाइयों को उल्टा करता जा रहा हूँ। जानते हैं उनकी माँ को सफाई का पागलपन था, और ये है कि ये है तुम्हारी सफाई। भूत सवार है इन पर सफाई का, और आपकी हर बात का वो गलत मतलब निकालते हैं। जी आपसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी उन्हें देखकर आपका पारा चढ़ जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शुक्र मनाऊंगी उनसे छुटकारा मिले तो। उठते बैठते जिंदगी हराम कर दी है मेरी। उन्हें अगर मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं। दिला दीजिए मुझे भी तलाक। क्या 52? सुनो 39, 24। वो ये चरण चाचा हमारे वो फॉर्मूलास के नंबर हैं जिनसे कई शादियों को ठीक किया है हमने। उन्हें सोच सोच कर हंस रहे थे। सुनो, मुझे लगता है उनके लिए 42 नंबर ठीक रहेगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं मिस्टर दिलीप बोस से। क्या क्या कह रहे हैं आप? देख लीजिए मिस्टर बोस, तलाक का मामला है। हाँ, लेकिन अपनी बातों में, बर्ताव में मैं मीना के साथ मीठा हो जाऊं? तो मिसेस बोस, आपको इतना अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा अपने मियाँ के साथ
कि वो चकमा खा जाए। उनके साथ मगर क्यों? भाई तलाक का मामला है, आपको अपनी एलिमोनी की फिक्र है या नहीं? बड़ी मीठी छुरी चलानी पड़ेगी तभी तो पैसे निकलेंगे। हुजूर, कहीं आपकी धर्म पत्नी ने अड़ंगा डाल दिया ना तो उम्र भर कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। बात समझने की कोशिश कीजिए। तो डन डन। कैसे हो डियर? अच्छा हूं। मेरी तला से। तुम कैसी हो डियर? मैं भी ठीक हूँ। नहीं भी हो तो मेरे बाप का क्या जाता है? अंदर आओ ना। आता हूँ, आता हूँ। ये बैग मुझे दे दीजिए। अरे नहीं 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 नहीं, आप थक गए होंगे। अच्छा, आज पहली बार पता चला मैं थक कर आया हूँ। दफ्तर में मक्खियाँ मार मार के थक गए होंगे। डियर बैठो ना। नीचे नीले तो नहीं रखी हुई? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। डार्लिंग, चाय पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय पीना कौन चाहता है? नहीं मैं पीकर आया हूँ। बनाना कौन चाहता है? मैं क्या सोच रही थी डार्लिंग, आज रात का खाना हम बाहर ही खाएं। जाते जाते इस कंजूस की जेब भी कुतरती जाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि आज हम घर पर ही क्यों ना खा ले और तुम अपनी सुंदर हाथों से कुछ अच्छा सा बना लो। कुछ अच्छा बनाना आता भी है? देखा कंजूस को? क्यों नहीं। और एक काम करते हैं, हम आपके दोस्त रवि और उसकी बीवी दीपा को भी बुलवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि हम तुम्हारी मम्मी डैडी को बुला लेते हैं। नहीं, हम रवि और दीपा को बुलवा लेते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तुम्हारी मम्मी डैडी को बुला लेते हैं। आप मानते क्यों नहीं, हम रवि और दीपा को बुलवा लेते हैं। तुम फिर मेरा विरोध कर रही हो। आप मेरा विरोध नहीं कर रहे? अच्छा हम ऐसे ही करते हैं, हम रवि और उसकी बीवी दीपा को बुला लेते हैं और हम मम्मी डैडी को भी बुलवा लेते हैं। ओके। हे भगवान, क्या मजबूरी है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है। क्या क्या? मम्मी आप थोड़ा सा चावल और ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं, बहुत पेट भर गया मेरा। थोड़ा सा। अच्छा तू खिलाता है तो खा लेते। थैंक यू, लीजिए। अरे रवि भाई साहब, आप तो सब्जी ले ही नहीं रहे। क्या बात है भाभी जी, आज आप बड़े प्यार से खिला रही हैं। मजबूरी है जी। मजाक कर रही हूँ। नहीं वैसे तो आज बड़ा मजा आया। हाँ भाई, हमें तो जरा सेट हो गया था कि शायद दिलीप और मीरा की बन नहीं रही, लेकिन आज दिलीप ने दिल खुश कर दिया। क्या करें डैडी, मजबूरी है। अरे डार्लिंग ठहरो, मैं भी उठवाता हूँ। क्या आप प्लेट उठाएंगे? अरे करना पड़ेगा, तुम्हें नाराज थोड़ी ना कर सकता हूँ मैं। अरे बल्कि यही नहीं, मैं तो आधे प्लेटें धो भी दूंगा। डार्लिंग तुम भी कमाल हो। भाई आप भी कमाल हैं, क्या पालक पनीर बनाया है आपने, चाहे अरसों बाद। और फिर पति पत्नी को तो मिल बांट कर काम करना चाहिए ना, सब कुछ 50-50। क्या मतलब है तुम्हारा? आप कभी इतने प्यार से बात करते हैं मुझसे? तुम किस तरह से बात करती हो मुझसे? आपने कभी इस तरह की मारने की बात की है कभी? मैं ऑफिस से थका हुआ आता हूँ। तो क्या मैं घर का काम करके थकी हुई नहीं होती हूँ? मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी चर्चा से। और आप क्या करते रहते हैं? मैं कहता हूँ शट अप। यू शट अप, हमेशा मुझे डांटते रहते हैं आप। ये बात करने की तमीज है तुम्हें? आप में बड़ी तमीज है, हमेशा अपनी मर्दानगी दिखाते रहते हैं। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। चली जाओ, अभी चली जाओ, कल जाने चाहिए तो आज जाओ। बिल्कुल पसंद नहीं थे। डार्लिंग मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, पेट में जगह कहाँ है, आज तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया। ऐसी ऐसी सब्जियां बना के खिलाऊंगी तो जिंदगी भर याद करेंगे। डार्लिंग अब सो जाइए, प्लेटें धो धो कर आपके हाथ थक गए होंगे।
अरे चिराग लेकर ढूंढोगी भी तो ऐसा पति तुम्हें सात जन्म में भी नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। क्या मजबूरी है। तो लगता है कि अब तक हांडी गर्म हो चुकी होगी। चोट तभी करो जब लोहा गर्म हो। देखो वो इंसान है लोहा नहीं। तो शादी भी एक रिश्ता है हांडी नहीं। ओफो तुम तो बहुत अच्छी हो। तो चलो मिस्टर बोस के पास। और तुम जाओ मिसेस बोस के पास। क्या अब से एक्टिंग बंद करनी है? बिल्कुल अब तो असली मुद्दे पर आना है। पर मिस्टर माथुर वो तो न जाने क्यों बदल सी गई है। मर्द कभी नहीं बदलते ये सिर्फ एक ढकोसला होता है। तो फिर वो इतने अच्छे क्यों हो गए? अगर इस वक्त आपने हथियार डाल दिए तो जिंदगी भर पछताते रहेंगे। हम कल आते हैं ठीक 12 बजे आमना सामना हो जाए और ये रिश्ता टूट जाए। 12 बजे सोचना है आखिर जिंदगी भर का फैसला है। अरे अभी अभी के सुधरी है ये कुछ और वक्त देना कुछ वक्त चाहिए। सुनो कहीं बाहर चले चलो। चलो मिस्टर मिसेस बोस कहाँ कहाँ उस रिक्शा में। लगता है अब उनकी फिर से बनने लगी है। डार्लिंग मेरा ये ख्याल है कि इस केस को यहीं खत्म करते हैं। क्या कह रहे हो चावल कच्चे रह जाएंगे डार्लिंग। मेरा ख्याल है हम इन दोनों को पकड़ेंगे तब जब ये दोनों तैयार ना हो। डार्लिंग मैं जा रहा हूँ। आई डार्लिंग आप शाम को कितने बजे लौटोगे? जल्दी ही लौटूंगा। बाय देन। बाय। नमस्ते जी। आप जी हाँ हम तुम्हें नहीं जानती हो? मैं नहीं नहीं क्यों कौन है ये लोग? मैं भी नहीं जानता। अच्छा क्या काम है आपको? अच्छा क्या काम है आपको? देखिए हम बाहर चल के बात करते हैं। ये आप आंख किसे मार रहे हैं? हाय आपने मेरी बीवी को आंख मारी? हाँ क्या नहीं डार्लिंग इनकी बात मत सुनो। ये हमारा घर बिगाड़ने आए। हम आए या आप आए थे हमारे पास तलाक लेने? तलाक? अरे नहीं वो तो तीसरी मंजिल वाले बॉस होंगे। ए दिलीप बाबू झूठ मत बोलिए मैं इधर सीढ़ी पर अपना बीबी के साथ खड़ा सब सुन रहा है। देखिए अब सब सीढ़ियों पे खड़े सुन रहे हैं अब क्या जुलूस निकलवाएंगे? हाँ चलिए अंदर चलिए 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 चलिए। देखो मीना मैं तुम्हें बताने ही वाला था मैं उनके पास गया था। ये जानती है ये भी जानती है कि आप तलाक लेने आए थे। और तुमने मुझसे ये छुपाए रखा? आपने भी तो मुझसे छुपाए रखा कि आप मुझे तलाक दे रहे हैं। लेकिन लेकिन आप लोग यहाँ क्यों आए आग लगाने? हम तो आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि मिसेस बोस सिर्फ एक्टिंग कर रही थी एक अच्छी पत्नी बनने की। तुम भी एक्टिंग करती रही हो? आप भी तो एक्टिंग करते रहे। क्या आप भी एक्टिंग कर रहे थे? हाँ इसलिए कि इन्हें तलाक आसानी से मिल जाए। झूठे मक्कार। तुम भी तो झूठी मक्कार हो। वो तो आप दोनों ही हैं। बड़े बर्तन मंजवा रहे थे। हाँ, और तुम भी तो बढ़िया बढ़िया खाना पकाकर खिला रही थी। मिस्टर एंड मिसेस माथुर अब आप मुझे तलाक दिलवा ही दीजिए। उससे पहले आप मुझे तलाक दिलवा दीजिए। नहीं मैंने पहले मांगा है। पहले मैं लेकर रहूंगी। अरे पर ये तो आप दोनों को एक साथ ही मिल सकता है। लेकिन आप लोग अब तलाक क्यों चाह रहे हैं? मैं उस आदमी के साथ नहीं रह सकती जिससे मुझे झूठ मूठ गले लगाया हो क्योंकि उसे तलाक चाहिए था। तुमने भी तो झूठ मूठ गले लगाया था। नहीं मैंने तो सचमुच प्यार से लगाया था। क्या मैंने भी सचमुच प्यार से लगाया था। फिर ये झगड़ा क्यों? जी आप अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं एक्टिंग करते करते अगर आप सचमुच एक दूसरे के इतने करीब आ गए हैं तो फिर से झगड़ा क्यों? क्योंकि 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 इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। अब तो समझ ही जाइए मिस्टर एंड मिसेस बोस आपने सिक्के का चित भी देख लिया पट भी। बोस साहब आपको तो घर में सफाई बहुत पसंद है ना लेकिन जो धूल आपके रिश्ते पे जमा हो रही थी
उसे आप क्यों नहीं पूछ रहे थे? आप भी मिसेस बोस, आप दोनों तो एक दूसरे को पहले तुम करने में लगे हुए थे। ऊबने लगे थे एक दूसरे से, चिड़चिड़े हो गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे को गोली मारने के लिए तैयार थे। एक मिनट, इस रिश्ते में कुछ रहने भी देंगे? इसकी ये तस्वीर आपने हमें दिखाई है? अरे साहब, ये रिश्ता तो एक पौधे की तरह होता है, जिसे समय समय पर पानी देना पड़ता है। डालिंग, आज सुबह पानी दिया था या नहीं? शट अप। देखिए, छोटी छोटी बातें होती है, जैसे कि हर तरह से हर चीज को आपस में बांटना, मतलब घर के काम से लेके इनकी दफ्तर की थकान तक। जरा शादी से पहले के दिनों को याद कीजिए ना, किस तरह प्यार के लिए वक्त निकाला जाता था। तो आप ऐसी क्या दुश्मनी हो गई कि आप दोनों ने इस घर को अखाड़ा बना दिया? नहीं नहीं, लड़िए, लेकिन याद रखिए, शादी में एक दूसरे की तारीफ करनी बहुत जरूरी होती है, चाहे झूठ मूठ ही सही। झूठ मूठ? झूठ कई बार काम आता है पति पत्नी के बीच। तुम नहीं जानते कई बातें मेरे बारे में। अच्छा, तो तुम भी झूठ बोलती हो? मुझे पता नहीं क्यों लगा था कि सिर्फ मैं ही। खैर बोस साहब, बाकी सब बातें तो आपको पता चली गई होंगी हमारे फॉर्मूले से, तो अब ऐसा है कि हमारी फीस दे दीजिए। लेकिन मिस्टर माथुर, हमारा तलाक तो हुआ नहीं। देखिए मिसेस बोस, आपसे तलाक दिलवाते तो ये पैसे देते, आपसे मिलवा दिया उसकी कोई फीस नहीं। क्या? दे दूंगा। कितने हुए? 3,000। 3,000? ठीक है, हम आपको हस्बैंड्स कंसेशन दे देते हैं। तो ठीक है, फिर हुए 2,500। गए सारे महीने की तंख हुआ, फिर देंगे तलाक।